फोर तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे ए से बी में वो टू की पावर एन एंटू एन बी कितना टू की पावर ट्वेल्व तो इसमें तो ऑप्शन आ ही नहीं रहा है तो नन ऑफ तीज हो जाएगा इसको आप ऐसे भी देख सकते हो अगर हमने ए सेट uh, के एलिमेंट्स ऐसे ले लिए ए, बी, सी. और जो दूसरा हमने सेट लिया बी उसको हमने ले लिया ए बी डी क्योंकि दो एलिमेंट्स कॉमन है इसलिए ऐसा करके देख लेते हैं तो हमें क्या ए से बी में रिलेशन बनाना है ना तो फिर हम क्या क्या रिलेशन आए क्या क्या ऑर्डर पेयर आएंगे आर में देख लेते हैं एक तो आएगा ए कॉमा ए फिर आ जाएगा ए कॉमा बी ए कॉमा डी ए कॉमा ई फिर बी से बनाएंगे तो बी से भी ऐसे चार ऑर्डर पेयर बनेंगे एक तो बी कॉमा ए बनेगा बी कॉमा बी बनेगा बी कॉमा डी एंड बी कॉमा ई, ठीक है फिर सी से बनाएंगे तो देखो सी कॉमा ए सी कॉमा बी सी कॉमा डी एंड सी कॉमा ई तो ये तो एक रिलेशन आर आ गया जो इनसे बना है अब इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर से जितने भी इसमें ऑर्डर्ड पेयर बने हैं इन्हीं सबको अलग अलग करके ऐसा हम कोई रिलेशन एक ऐसा बन सकता है जिसमें ए कॉमा ए ही हो ठीक है कोई ऐसा रिलेशन बन सकता है जिसमें ए कॉमा ए और बी कॉमा ए हो तो ऐसे ऐसे करके कितने बन जाएंगे इसमें ट्वेल्व बन टू की पावर ट्वेल्व बन जाएंगे ठीक है बस यही आपका आंसर हो जाएगा